हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। फ्रेंड्स, थर्ड ग्रेड डीपीसी को लेकर और थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को लेकर शानदार न्यूज़ में लेकर आया हूं आपके पास, और शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला लिया गया है, डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त, जो भी शिक्षक अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, वहाँ पर आपको थर्ड ग्रेड से संबंधित हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो एक बार मैं आपको नंबर बता देता हूँ, उन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, 80 58 85 13 75 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप आप लोग मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। बात करेंगे थर्ड ग्रेड ट्रांसफर को लेकर, एक सूची आई थी आप सभी को मालूम है ट्रांसफर को लेकर थर्ड ग्रेड की, और एक आई थी लेक्चरर की और एक आई थी प्रिंसिपल की। ट्रांसफर की सूची शिक्षा विभाग के द्वारा कल जारी किया गया था, वो सूची मैंने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम पर, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद में, 3 से 4 घंटों के बाद में फिर वापस शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हुआ, और उसमें कहा गया कि जो सूचियाँ हमने जारी की है उनको हम निरस्त करते हैं, और वो सूची के आधार पर आपको उन स्कूलों में वापस नहीं लगाया जाएगा जो आपका ट्रांसफर किया गया था उनमें, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण था, इसमें सबसे बड़ा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसमें किरोड़ी लाल ने उस सूची को लेकर हस्तक्षेप किया था, उसमें दखलंदाजी किया था। उसके बाद में किरोड़ी लाल के कहने के कारण शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने वापस अपना फैसला वापस ले लिया है। बड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, किरोड़ी लाल मीणा के चलते हुए ट्रांसफर सूची को वापस ले लिया गया है। थर्ड ग्रेड डीपीसी को लेकर अब हम बात करने वाले हैं। कल एक सूची आई थी, वो सूची हम आपको बता देते एक बार। तो फ्रेंड्स, कल ये सूची जारी हुई थी, और उस इस सूची में आपका जो ट्रांसफर हुआ था उन व्यक्तियों के नाम है, और आपको यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो इन व्यक्तियों का ट्रांसफर कल हुआ था, और ये सूची कल जारी हुई थी। लेकिन जो किरोड़ी लाल मीणा जी है उनके हस्तक्षेप के बाद में इस सूची को वापस ले लिया गया है, और शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि उस सूची को हम निरस्त करते हैं, यानी इस सूची को अब निरस्त कर दिया गया है, और अब दूसरी सूची तैयार की जाएगी, यानी थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर होंगे, अब शुरू होने वाले हैं थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर। और अब हम बात करते हैं डीपीसी को लेकर, डीपीसी को इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपकी जो डीपीसी होगी वो डीपीसी की एक मीटिंग होगी, और वो मीटिंग अब जल्दी होने वाली है, 16 तारीख को वो मीटिंग है आपकी शिक्षा विभाग में, डीपीसी को लेकर एक मीटिंग होगी, उसके बाद में आपकी डीपीसी पर कोई फैसला लिया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नोटिफिकेशन ऑन रखना है जिससे हर इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स।